कल्पना पटवारी जी के साथ है और उनसे जानना चाहेंगे कि अभी जो मूवीज और वो सिंगिंग में कर रही हैं और अभी वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी थे, वहाँ पे वो गए थे एम्बेसडर के तौर पे, तो वो कुछ उसके बारे में बताएंगे। ऑफ कोर्स कॉमनवेल्थ गेम्स का एहसास और अनुभव बहुत बड़ा है मेरे लिए, क्योंकि जो आपने पहले भी पूछा उसको भी मैं ले लेती हूँ साथ में। मैं असम की बहुत ही छोटी एक गांव में मैं पैदा हुई, असम से गुवाहाटी से आगे बरपेटा जिला में सरबुक जो जगह है वहां पे, और वहां से निकल के गुवाहाटी आना, गुवाहाटी में फिर पूरा शिक्षा दीक्षा सब कुछ होके फिर मुंबई पहुंचना, और मुंबई में काम करके अचानक यूपी बिहार की संस्कृति में मेरा सांकेतिक जो संस्कृति है उसमें एक यात्रा रहा, और ये सब तमाम अनुभव होने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचना कॉमनवेल्थ गेम्स में, मैं इसको एक स्त्री होने के नाते या फिर आप अगर आम गांव की कोई बेटी होने के नाते मैं इसको बहुत ही अलग ढंग से उसको महसूस करती हूँ, क्योंकि ये हमारा पैट्रियकल सोसाइटी है, कोई बोले या नहीं बोले ये है, ये हम लोग महसूस करते हैं, वो हम बोलेंगे, महिलाएं बोलेंगी कि प्रैक्टिकल सोसाइटी है कि नहीं, हम महसूस करते हैं हर जगह पे। आप जितना मेहनत करोगे हमको उसका तीन गुना मेहनत करना पड़ता है तब शायद हम आपके आसपास पहुंचे, मतलब जहां तक क्या मतलब उसको एक्सेप्ट करने की बात हो। सो कॉमनवेल्थ गेम्स में पहुंचना, मेरे उस सर्वोक से जो यात्रा शुरू होती है छोटी गांव से, वहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंचना बहुत बड़ी उपलब्धि रही, और प्रेरणा स्रोत की तरह मैं अपने आपको देखती हूँ। शायद गांव की बहुत सारी लड़कियां, जब अभी मैं डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी गई तो बहुत सारी लड़कियां थी उसमें, और उन लोगों को जब ये मैंने बोला ये सब बातें तमाम बातें, तो उन लोगों में भी वो ऊर्जा आया, मैंने देखा वो चीज, वो चेंजेस देखा, और तो उस नाते ऑफकोर्स भोजपुरी गायिका कल्पना गई वहां पे कोई बहुत बॉलीवुड की स्टार नहीं गई, भोजपुरी गायिका कल्पना गई, और भोजपुरी को बहुत बार बहुत ही डिग्रेडेड नजर से देखा जाता है, तो उस नाते ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक्चुअली मैसेज है। आई थिंक आपके एक चैलेंज था और आपने कहा कि आप फोक एक्सपोनेंट के रूप में देखा जाना चाहती हैं आगे चल के, और जैसे आगे चल के नहीं मैं हूँ अभी, नहीं आप कर रही हैं, और अभी आपका जैसे आप भोजपुरी से एक डिफरेंट आपका लाइन ऑफ एक्शन है प्लान अभी, और आप मूवीज में अभी लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट में आपका सॉन्ग उधर था, वो आपने बोला कि वो भी भैरी ठाकुर का आपने कुछ जिक्र किया, जो पिछड़े जाति जो हिंदुस्तान में एक अभिशाप है पूरे देश भर के लिए, कि आज भी 2018 में हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, जबकि मतलब वो तो मेन मुद्दा है पॉलिटिकल, हाँ जी पॉलिटिकल मुद्दा। तो क्या आपका पॉलिटिकल करियर, मतलब आप चाहेंगी कि आपको कोई पार्टी नॉमिनेट करे, जो ऐसे या कोई ऑफर आपके पास आए हो जो आप हमारे से शेयर करना चाहेंगी? नहीं, ये सब बातें बहुत बार पहले भी हो चुका है पॉलिटिकल ऑफर्स, और आई थिंक सांस्कृतिक वर्ल्ड में इतना पावर है, एक आर्टिस्ट के पास इतना पावर होता है, तो अलग से वो पॉलिटिक्स में जाने की मुझे जरूरत नहीं लगती, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने के बाद इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस भी फील्ड में है उस पर आप बोल रहे हो कि काम कर रहे हो। पॉलिटिक्स में मैं तो चली जाऊंगी लेकिन वहां मैं बयानबाजी करूंगी, भाषण दूंगी लेकिन काम नहीं कर रही, तो उससे तो अच्छा है मैं छोटे से मैं गायिका बनी रहूं, लोक गायिका, और थोड़ा बहुत काम करूं, तो दोनों में ये फर्क है। जहां भी आप काम करें, कहीं भी जाए, काम करना जरूरी है। तो मैं ये बोल रही थी कि जहां आपने फिल्म की बात की लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट, एक्चुअली भोजपुरी संगीत की दुनिया में आने से बहुत पहले से मैं बॉलीवुड से ही मेरा यात्रा शुरू है। सो लाइफ ऑफ एन आउटकास्ट इज जस्ट अनदर फिल्म, उससे पहले मैं बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स में गा चुकी हूँ, लाइक आइटम सॉन्ग्स, गंदी बात वॉज अ वेरी बिग हिट आर राजकुमार, एंड आफ्टर दैट बेगम जान्स ओरे कहारो, आई थिंक बहुत ही आई मीन्स विदाई गीत के पर आधारित है। बट यहाँ मैं वो बात नहीं करना चाहती, मैं यहाँ करना चाहती हूँ कि अब कहाँ जाना है, अब क्या करना है। फोक एक्सपोनेंट अगर मैं कहूँ, जैसे द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, जिसके बारे में मैंने बात किया थोड़ी देर पहले, कि कास्टिज्म को लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर में मैंने बहुत स्ट्रांगली महसूस किया, बट देन ऑल्सो द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर के जरिए बहुत कुछ करना चाहिए मैं। जैसे मैंने ब्रांडिंग की बात नहीं की उनके साथ, जैसे भोजपुरी पहले कैसेट्स हुआ करता था, फिर सीडीज हुआ, फिर एमपी थ्री से अब डिजिटल वर्ल्ड में गया, तो
हमेशा भोजपुरी को 25 रुपए का एक कैसेट या 35 रुपए का वो टैग के रूप में देखा गया। लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर जब मॉरिसस में रिलीज होता है मंत्रालय में, हमने ये डिसाइड किया कि इसका ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फोक का ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगा भोजपुरी की ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट है, वो होना चाहिए, नहीं तो हमेशा डिग्रेडेड रह जाएगा। तो हम लोगों ने इंटरनेशनल जो भी जैसा हमारे टी सीरीज और वेव जो रीजनल बेल्ट में है, उनको मैंने सोचा ही नहीं कि उनको मैं वो एल्बम दूंगी। सीधा हम लोगों ने अलग अलग इंटरनेशनल ब्रांड से बात की और लास्ट में वो लंदन से रिलीज होता है। द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर लंदन की EMI वर्जिन से रिलीज होता है एंड प्राइस टैग इज 195 रुपीज। मेरे लिए उद्देश्य ये नहीं था कि 195 रुपीज कर दूंगी तो कोई खरीदेगा नहीं या खरीदूंगी, मेरे लिए वो उद्देश्य नहीं है, पैसा नहीं कमाना था मुझे उससे। लेकिन एक स्तंभ मुझे एक माइलस्टोन क्रिएट, बिजनेस ब्रांडिंग, ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट है कि हाँ भोजपुरी कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। यस, सो वो एक भोजपुरी जैसे असामीज हैं, गुजराती लोग हैं, दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपकी ब्रांडिंग से ये तो हुआ कि आपका संगीत आपके माध्यम से पूरे विश्व में जा रहा है और हम लोग आशा करते हैं कि आपका और ऊंचाइयां छुएंगी। शुक्रिया, थैंक यू। आई थिंक द मोर पीपल आर वेटिंग। थैंक यू।